मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री राजीव कुमार गुप्ता जी, प्रदेश मंत्री श्री डीपी भारती जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री और बदायूं के लोकप्रिय विधायक और वर्तमान में प्रत्याशी श्री महेश चंद गुप्ता जी, बिलसी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शहरी साक्य जी, बिसौली से प्रत्याशी और लोकप्रिय विधायक श्री कुशाग्र सागर जी, सहसवान से प्रत्याशी श्री डीके भारद्वाज जी, श्री बागीश पाठक जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष श्री उमेश राठौर जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में बदायूं के इस मैदान में उपस्थित सभी बदायूं के विभिन्न विधानसभा सीटों से आए हुए भाइयों बहनों, मैं आज के इस कार्यक्रम में मां गंगा के तट पर बसे हुए जनपद बदायूं में आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, याद करिए, आज से 5 साल पहले भी मैं आया था और तब मैंने आपसे कहा था कि बदायूं से श्री महेश गुप्ता जी को आप भारी बहुमत से चुनाव जिता करके उनके मूंछों की लाज रख दीजिए। और भाइयों बहनों, मैंने आपसे कहा था ना, उनकी मूंछ को इतना टाइट हम लोग करवा देंगे कि यहां के भूमाफिया और गुंडे अपनी जान की सामत लेकर के गले में तख्ती लटका करके घूमते हुए दिखाई देंगे। और 5 वर्ष के अंदर बदलाव आया, एक नया प्रवेश आपको बदायूं जनपद के अंदर भी देखने को मिल रहा है। 5 साल पहले बदायूं की स्थिति क्या थी? 5 साल पहले यहां पर पेशेवर माफिया व्यापारियों का पीड़न करते थे, भू माफिया गरीबों की और किसानों की संपत्ति और जमीनों पर कब्जा करते थे, सौदे किस्म के, उदंड किस्म के शरारती तत्व बेटियों के साथ छेड़खानी करते थे, वे स्कूल और कॉलेज नहीं जा पाती थी। आज 5 साल के बाद भू माफिया गायब, पर्व और त्योहारों में कर्फ्यू लगाने की धमकी देने वाले लोग दूसरे लोग की यात्रा में जा चुके हैं, और सोहबे किस्म के लोग जो बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने थे, आज गली अपने गले में तख्ती टांग करके स्वयं जान की भीख मांगते हुए थाने थाने घूम रहे हैं। भाइयों बहनों, आज बदायूं मैं नए मेडिकल कॉलेज में प्रवेश होकर के विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ मेडिकल कॉलेज में यहां के युवाओं को डॉक्टर बनने का एक अवसर प्रदान कर रहा है। तो गंगा एक्सप्रेसवे भी मेरठ से प्रयागराज के बीच सबसे अधिक कृपा मां गंगा अपने एक्सप्रेसवे के माध्यम से कहीं बरसा रही है, तो उस कृपा का सबसे बड़ा क्षेत्र है तो बदायूं जनपद है। सबसे ज्यादा गंगा एक्सप्रेसवे इस जनपद से होकर के जा रही है, सबसे ज्यादा लाभ यहां के किसानों को प्राप्त हो रहा है। और भाइयों बहनों, इस लाभ के साथ साथ यहां पर जब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा तो यहां के लाखों नौजवानों के लिए यहीं पर नौकरी की सुविधा भी उपलब्ध होगी, और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। यह सब संभव हो पाया जब केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार
और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार है, डबल रफ्तार से चलती है और परिणाम भी कई गुना देती है। याद करिए, कोरोना था, क्या समाजवादी पार्टी के लोग कोरोना में कहीं हालचाल लेने के लिए आए थे क्या? और दिल्ली वाले भाई बहन वे भी गायब थे। और भाइयों बहनों, बहन जी आई थी हालचाल लेने के लिए, याद करना, कोरोना कालखंड में केवल और केवल डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, या हमारे मंत्री या एमएलए या पदाधिकारी ही आपकी सेवा कर रहे थे। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, तीसरी वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता ही नहीं। लोग मुझसे पूछ रहे हैं, आपने कोरोना को क्या किया? मैंने कहा, देखो भाई, अब कोरोना भी इस बात को जान रहा है कि हमारे एक हाथ में विकास की छड़ी है, दूसरे हाथ में माफिया और अपराधियों के लिए बुलडोजर का लीवर है, और दोनों जब एक साथ चलते हैं तो विकास होता है और समाज को नुकसान बनाने वाले तत्व तो अपने आप ही उसके नीचे पिसते हुए चले जाते हैं। कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है, हमने उसको नियंत्रित कर लिया है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन ली है, वैक्सीन टीका कितने लोगों ने रख लिया, कोरोना का टीका, दोनों हाथ ला करके थोड़ा मुझे बताइए। 100% लोगों ने पहला टीका ले लिया है, 75% लोगों ने दूसरा टीका भी ले लिया है। और भाइयों बहनों, जो लोग टीका के बारे में दुष्प्रचार कर रहे थे, ये मोदी टीका है, ये भाजपा का टीका है, इसी मोदी टीके ने और भाजपा के टीके ने ही कोरोना महामारी में जान बचाया है। आप मानते हैं ना, आप मानते हैं ना, इसी कोरोना कालखंड में इसी टीके ने जान बचाई है, नहीं तो दुनिया के अंदर अभी भी हजारों लोग मर रहे हैं, लाखों लोग बीमार पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश ने टीका के कारण बीमारी को कंट्रोल कर लिया है, और टीका जो लोग विरोध करते थे उन लोगों को एक तमाचा होना चाहिए अपने वोट की चोट से कि तुम हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, तुम्हें तो वोट मांगने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, फ्री में टीका, सबको टीका, लेकिन साथ साथ डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन की भी, महीने में दो बार राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना? समाजवादी पार्टी की सरकार में राशन मिलता था, समाजवादी पार्टी की सरकार में सुरक्षा मिलती थी। और बहन जी के समय बोलना है क्या? बहन जी के हाथी का पेड़ तो इतना बड़ा है कि सभी राशन अकेले वही खा जाता था, गरीब को कहां से मिलता? भाइयों बहनों, मैं तो आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, ये जो फ्री में वैक्सीन, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन, ये जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है, ये कोई आपके आप पर उपकार नहीं किया है, ये तो हमारा धर्म था, ये हमारी जवाबदेही थी, हमने अपना कर्तव्य मान करके काम किया। जो बेटियों को सुरक्षा मिली, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, ये हमारा धर्म था, हमने अपने धर्म का निर्वहन करने के लिए कार्य किया। ये एक्सप्रेसवे सरकार बनी, आपने आशीर्वाद दिया, हमने एक्सप्रेसवे के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ा दिया, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया। लेकिन भाइयों बहनों, यह क्रम अनवरत बना रहना चाहिए,
यह क्रम अनवरत बना रहना चाहिए। जो विकास हुआ है उससे भी तेज गुना से हम यहाँ पर विकास करा सके, इस दृष्टि से आज मैं आपके पास आया हूँ आपसे कहने के लिए। आपने यहाँ पर समाजवादी पार्टी को भी कई बार संसद में भी और अलग अलग विधानसभा सीटों पर विधानसभा में भी मौका दिया था। क्या विकास कराया उन्होंने? मैं थोड़ी सी एक झलक आपको बताता हूं। गन्ना किसानों की अगर मैं बात करूं तो भाइयों बहनों, 5 साल में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय मात्र 425 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था। समाजवादी पार्टी की सरकार में 600 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय लगभग 800 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान अकेले बदायूं जनपद में हुआ है। 1,60,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान पूरे प्रदेश में हुआ है और बदायूं जनपद में 1,03,000 किसानों के ऋण माफी का कार्यक्रम भी हम लोगों ने किया था। पिछली सरकार जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उसने पहला फैसला क्या लिया था? अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया था। हमारी सरकार आई तो हमने सबसे पहला काम किया अन्नदाता किसानों के कर्ज की माफी का। हमने उसके साथ ही प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़ खानों को बंद करवाया और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। हमारा काम जय जवान जय किसान का था, हर बेटी को सुरक्षा देने का था। समाजवादी पार्टी की संवेदना किसान के प्रति नहीं, नौजवान के प्रति नहीं, बेटी के प्रति नहीं, उनकी संवेदना तो आतंकवादियों के प्रति थी, इसलिए आतंकवादियों के मुकदमों को वापस ले रहे थे। हमने किसानों का कर्ज माफ किया और भाइयों बहनों, किसान सम्मान निधि में आपके जनपद में 16 लाख किसानों को सीधे सीधे इसका लाभ मिल रहा है। 16 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए सालाना इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। दिव्यांगजनों की पेंशन, विधवा महिलाओं की पेंशन और वृद्धजनों की पेंशन को समाजवादी पार्टी के लोगों ने बंद कर दी थी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार के समय आज के दिन हम लोग जनपद बदायूं में 18,600 से अधिक दिव्यांगजनों को, 52,600 से अधिक विधवा महिलाओं को और 74,000 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ प्रदान कर रहे हैं। पहले पेंशन कहां चला जाता था? समाजवादी के पार्टी के छठे छटाई लोगों को वे लोग खैरात की तरह बांटते थे। भाइयों बहनों, अगर मैं राशन की बात करूं, ये फ्री में राशन बदायूं जनपद में 30 लाख लोगों को फ्री में राशन की सौगात भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार महीने में 2 बार दे रही है, महीने में 2 बार। और अगर मैं प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना की बात करूं तो भाइयों बहनों, आप चौंकेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पूरे प्रदेश में 18,000 गरीबों को मकान नहीं मिल पाया था। कितना? 18,000। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 43,50,000 गरीबों को एक एक मकान दिया और अकेले बदायूं जनपद में 30,000 लोगों को एक एक मकान मिला है। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी अब किसान विरोधी और महिला विरोधी ही नहीं है, अब वो युवा विरोधी भी हो गई है। हमारी सरकार
1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित कर रही है। इसकी शुरुआत हो गई थी, 209 युवकों को आपके बधाइयों में भी टैबलेट और स्मार्टफोन मिला। हम लोग इसको तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है और अब विरोध करेंगे तो मैंने भी कहा है, अभी तो 1 करोड़ युवाओं को दे रहे हैं, सरकार बनने दीजिए, 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, अच्छी सड़क हो, 24 घंटे बिजली हो या फिर विकास की योजनाओं को बिना भेदभाव के बदायूं नगर में, ग्रामीण क्षेत्र में, बिसोली में, सहसवान में, बिलसी में, शेखपुरा में, दातागंज में, हर एक जगह पहुंचाने के लिए आज सरकार कार्य कर रही है। मैंने समाजवादी पार्टी के लोगों से कहा, मैंने कहा तुमने तो कोई विकास ही नहीं कराया, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने क्या कहा बताओ, सुनेंगे? उन्होंने कहा नहीं, विकास हमने भी कराया है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि आपने गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज को चालू करवा दे रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, ये आपको पसंद है, आपने बना दिया, हमें ये सब पसंद नहीं था। तो मैंने कहा तुम्हें कौन सा विकास पसंद था? उसने कहा विकास हमने भी किया, तो मैं भी उत्सुक था। मैंने कहा भी इनके मुंह से विकास सब, तो मैंने कहा बताओ क्या विकास कराया? उन्होंने कहा हमने भी कराया, अपना दीवार ठोक ठोक करके बोल रहा था हमने भी कराया। मैंने कहा क्या विकास कराया? कहता हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल कैसे बनाई थी। क्या किया था उन्होंने? कब्रिस्तान की बाउंड्री। आप बोलेंगे ना, जब विकास कब्रिस्तान का कराया है तो वोट भी वहीं से लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करूंगा, 5 साल में कोई दंगा हुआ? देखिए पहले पर्व और त्योहार के नाम पर क्या करते थे, वे दीपावली नहीं होने देते थे, होली नहीं होने देते थे, जन्माष्टमी नहीं, शिवरात्रि को रोक लगाते थे, कावड़ यात्रा के रोक लगाते थे, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, महोत्सव के नाम पर केवल एक महोत्सव होता था, सेफाई महोत्सव। लेकिन भाइयों बहनों, आज कर्फ्यू नहीं लगता, आज तो कावड़ यात्रा निकलती है बड़ी धूमधाम के साथ। पहले व्यापारियों पे लोग बम चलाते थे, इनके अपराधी, सत्ता प्रायोजित अपराधी व्यापारियों पर बम फोड़ते थे, अब कर्फ्यू नहीं लगता, बम फोड़ने वाले दूसरे लोग की यात्रा में जा चुके हैं, अब तो कावड़ यात्री हर हर बम बम का नारा लगा करके कावड़ यात्रा शानदार तरीके से निकालते हैं। अब भाइयों बहनों, सेफाई महोत्सव नहीं, अब अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है, मथुरा वृंदावन में रंगोत्सव का और जन्माष्टमी का कार्यक्रम होता है, काशी में देव दीपावली का आयोजन होता है और प्रयागराज में भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ का आयोजन होता है, उत्तर प्रदेश महोत्सव का आयोजन होता है, हर जनपद में महोत्सव के आयोजन प्रारंभ हो चुके हैं, रामलीलाओं का आयोजन हो रहा है, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। जो लोग पहले माफिया बनकर के सत्ता के संरक्षण में अपराधी गिरोह को संरक्षण देते थे, आज आपने उनकी दुर्गति देख ली होगी। और हमने तो पहले ही कहा है, सरकार वही होती है जो बिना भेदभाव के विकास करा सके, बिना भेदभाव के सुरक्षा दे सके। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने बिना भेदभाव की सुरक्षा भी दी है, बिना भेदभाव के विकास भी कराया है। और आज फिर मैं कहने के लिए आया हूं, जो लोग अभी भी विकास के कार्य में अवरोध पैदा कर रहे हैं, 5 साल तक मौन बने रहे, चुनाव की घोषणा होते ही फिर से रंग दिखाने का कार्य कर रहे हैं, द
10 मार्च का इंतजार कर लें भाइयों बहनों, 10 मार्च के बाद फिर से उल्टी गिनती उनकी प्रारंभ हो जाएगी। सरकार तो एक हाथ से विकास कराएगी, दूसरे हाथ से पेशेवर माफिया और अपराधियों पर बुलडोजर चलाने में भी संकोच नहीं करेगी। विकास और बुलडोजर एक साथ चलेगा और एक साथ चला करके उत्तर प्रदेश को खुशहाल बनाएगा, उत्तर प्रदेश को देश का नंबर एक प्रदेश बनाएगा। आप भी सहमत हैं उत्तर प्रदेश नंबर एक प्रदेश बनना चाहिए? सभी लोग सहमत हैं? ये घरों की छत के ऊपर जो लोग हैं, क्या वे लोग सहमत नहीं हैं? इधर उधर सभी लोग बताओ मुझे, सभी लोग सहमत हैं? तो भाइयों बहनों बदायूं जनपद की क्या सभी सीटें भाजपा को जिता करके भेजेंगे? ये तभी होगा जब बदायूं की सभी सीटें बीजेपी जीतेगी। सभी लोग सहमत हैं? तो मेरी आप सबसे अपील होगी, बदायूं से श्री महेश गुप्ता को, बिरसी से श्री हरीश साक्य को, सहसवान से श्री डीके भारद्वाज को, बिसोली सुरक्षित से श्री कुशाग्र सागर को, शेखोपुरा से श्री धर्मेश साक्य को, दातागंज से श्री राजीव सिंह बप्पू को, ये सभी हमारे प्रत्याशी मंच पर आए हैं, इन सबको चुनावी ताकत के भेजेंगे। दोनों हाथ लाकर के मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ लाकर के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित ही जनपद बदायूं की 6 की 6